Yes. Good evening all. This is Byomkesh Meher. I welcome all of you in this Let's Crack It. Let's Crack UPSC CSE. तो आप सब लोगों को वेलकम है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज नेशनल पार्क पार्ट टू. इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव डिस्कस मेनी पोर्शन और मेनी पार्क्स, वो आप देख सकते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क्स है, रतंबोर है, जिम कॉर्बेट है, सुंदरबन, ये सब के बारे में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है. जो रिमेनिंग इंपोर्टेंट पार्क है आज मैं इस स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा. आप सब लोग आ गए. जो रिमेनिंग इंपोर्टेंट ओके जस्ट वन मिनट ओके आज थोड़ा सा सर्दी वर्दी हो गया. जस्ट गिव मी वन मिनट, आई विल कम बैक. गिव मी वन मिनट. Yes. Okay. Let's start the topic. So, these are the top 20 national parks of India. In the last class also, I have discussed about these parks. That is, kon kon sa parks hai, top 20 mein. Dekh sakte ho, Ranthambore, Rajasthan, Jim Corbett, Uttarakhand, Bandhavgarh, Madhya Pradesh, Periyar, that is in Kerala, Kaziranga, Assam, Sundarban, West Bengal, Kanha National Parks, Madhya Pradesh. Bataunga, detail mein bataunga, thoda sa khali briefly bata dena ho, kon kon sa park hai. गिर नेशनल पार्क गुजरात, क्योलाडियो राजस्थान, मानस नेशनल पार्क आसाम, बांडीपुर दैट इज इन कर्नाटका, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, हिमिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, एराविकुलम दैट इज केरला, and Madumalai, that is Tamil Nadu. These are the top most important national parks of India. Ek ek karke main discuss karunga. But before that, one thing, let me introduce ki these are the top educator who are the part of Unacademy. Roman Saini sir hai, Sudarshan Gujjar sir hai, Jatin Verma sir hai, Aman Sharma sir hai, Saurabh Pandey. To aapko history, polity, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चीज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर एक चीज जो है बताएंगे. एंड ये है हम लोगों का प्लान
सब्सक्रिप्शन प्लान एक महीने का 8,000 है, बट एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का, तो आपको आपको केवल पड़ जाएगा 40,000 है, बट आपको बीएम लाइव करने के बाद, ये मेरा नाम का कोड है बीएम लाइव, ये मेरा नाम का कोड है बीएम लाइव करने के बाद आपको जो है ये चीजें 36,000 में मिल जाएंगे, ओनली इन 36,000 बीएम लाइव के बाद केवल जो है 36,000 में चीजें मिल जाएंगे एक साल का। और अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आपको तो बेटा कम से कम भी 1,00,000 या 1.5 लाख तो पड़ जाएंगे। 36,000 में आपको एक साल का कोर्स, जिसमें 30 आवर के लाइव क्लासेस होंगे एवरीडे, कोर्सेस विल बी इंग्लिश और हिंदी मीडियम, टॉप एजुकेटर विल बी देयर, एंड हर एक महीना जो है कोर्स पब्लिश होगा। उसके साथ साथ देखिए कि अगर हम 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 साल का प्लान करते हैं, तो those who are in the first year and second year graduation के, तो 57,600 पड़ जाएंगे। BM live करना है आपको, क्या करना है उसमें कि इस तरह से सब्सक्रिप्शन करना, then again 12 महीने का कर सकते हो आप, उसके बाद आप BM live कर सकते हैं, कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ये, then apply कर दीजिए, then 40,000 वाले चीजें जो है आपको मिल जाएंगे सीधा 36,000 में। ठीक है बेटा, तो दीज आर द पार्क्स, मैंने बताया था अभी, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्क, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्क्स, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली रेलिवेंट पार्क होंगे। वैसे तो बहुत सारे पार्क्स है, बट यू कैन से दीज आर द इंपोर्टेंट पार्क्स इन इंडिया, यू कैन से। ओके, आज थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं। ओके, सो दीज आर द पार्क्स, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा आप लोग अगर देखे होंगे कि पार्क सब कहां पर है, देख सकते हो ऊपर से, मैं कर लेता हूं एक बार, हेमिस नेशनल पार्क्स, देन किस्तवाड़, देन ग्रेट हिमालय, वैली ऑफ फ्लावर जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में है, सरिस्का, देन दुधवा जो है यूपी ओपीएसली, उसके साथ साथ देखो डेजर्ट, देन रतंबर राजस्थान, देन उसके बाद देखिए रणअप कच्छ गुजरात, गिर ठीक है बेलवाडर, देन उसके साथ साथ देखिए टडोबा एंड बंसदा, देन उसके बाद देखिए नीचे देखिए साइलेंट वैली, विंडी, बांडीपुर नेशनल पार्क, देन नगर होल, देन बनीरगट्टा, देन नंडेली, देन इसकवारा, देन कान्हा नेशनल पार्क्स, इंद्रावती, नागजरी, कान्हा, पेंच, देन बंधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, सीपुरी नेशनल पार्क, सो दिस आर द मेन। और यहाँ पर इस तरफ देखोगे काजीरंगा, कांचनजुंगा ठीक है, नामधापा, सो नए बोल लंबाजो, देन सिरोही नेशनल पार्क्स, सो दिस आर द फेमस पार्क्स दैट इज इन, एंड यू कैन से बन बिहार, भोपाल जू, सो दिस आर द पार्क्स दैट इज फाउंड इन इंडिया। इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रणथंबोर नेशनल पार्क्स, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग्स, एंड ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क्स इन द लास्ट क्लासेस, and also discuss about the Gir wildlife sanctuaries, then yes today I'll discuss about the Periyar national parks, okay, I'll discuss about the Periyar national parks, okay, so Periyar national park dekho situated on the western ghat and touching boundary of Tamil Nadu. This national park in Kerala is very popular for its sheer beauty and tourism. तो पेरियर जो है तमिल नाडु as well as केरला में है और टूरिज्म के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ पर जाते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर
of the country, and also jeep safari for the tourist. And ye cover hai around 350 square kilometer. And usme jo famous hai elephant and tiger, located in Kerala Periyar National Park, the most eco park in India, visited eco park in India. And her Indian elephant can be seen nearby the Periyar Lakes. So famous for elephant and tiger. Next, that is Kyolodeo National Park. So, this is Bharatpur region, that is in Rajasthan, and this was established in 1971. It was declared as a protected sanctuary in 1971, and it is famous for various species of birds, migratory birds like Siberian cranes. And these diverse habitats are home of 366 bird species, 379 flora species, and 50 species of fish, and 13 species of snake, and 5 species of lizard, and 7 amphibian species, and 7 turtle species, a variety of the invertebrates. So, dhyan rakhne wali cheez hai, different type of species yahan par paaye jaate hain is parks mein. Then 29 kilometer and locally known as Ghana. Uske baad aati hai Valley of Flowers. Valley of Flowers jo hai Western Himalaya, that is in Uttarakhand mein hai, theek hai. Aur ye jo hai 87.5 square kilometer, and ye 1982 mein national park ke hisab se ghoshit hua tha, the reserve of the UNESCO World of Biosphere Reserve in 2004. Theek hai, it is known as Medwa of Adiomatic Alpine Flowers, variety of the floras, and ye famous hai Asiatic black bear, snow leopard, musk deer, brown bear, red fox. To ye sab cheezon ke liye famous hai. अब देखो नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क. नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क. कान्हा इज ए पॉपुलर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश इन 1974 अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर. और उसका एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर, एंड डिस्ट्रिक्ट जो है मंडला एंड बालाघाट. एंड ये फेमस है श्लॉथ बियर, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग एंड बेंगल टाइगर्स. Then Bandhavgarh National Parks, that is in Madhya Pradesh, theek hai, located in Umaria district of Madhya Pradesh. And ye tiger dominates 437 square kilometer. And yahan par jo cheeze paayi jaati hai, leopard, deers, mammals, reptiles, vegetations. Then hai Balmiki Park. Balmiki Park, that is in Bihar. Balmiki Reserve Tiger is one of the natural virgin resources in East India and the Prinstead Forest of the Wildlands. Excellent example of the Himalaya, the Rai Land. Aap dekh sakte ho. To, and ye jyada tar famous hai, tiger, rhinoceros, black bear and leopard. And also wild buffalo and wild boar ke liye famous hai. Then Bandipur National Parks. Bandipur National Park, located in Karnataka, and potential new UNESCO World Heritage Site mein bhi hai ye. Aur ye jo hai lies within the state of the Karnataka and link with Madhumalai National Parks in the state of Tamil Nadu. Madhumalai National Park ke sath bhi link hai, aur yahan par famous hai leopards, elephant, sloth bear, wild boars. Then Banargatta National Park, that is in Karnataka, 22 km south of Bangalore, and this the country first butterfly park was established in Banargatta. Then Black Buck National Parks, that is in Gujarat, Bhavnagar, 72 km. ठीक है. Then उसके बाद आते हैं North Kek National Parks, that is in Meghalaya, UNESCO में added है as a biosphere reserve के हिसाब से.
तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मेन मेन नेशनल पार्क्स है उसका लिस्ट है और किस चीज के लिए फेमस है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स में से फर्स्ट इज रणथंभौर नेशनल पार्क्स, दैट इज इन राजस्थान। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1980। और जो फेमस है फ्लोरा एंड फौना के लिए, टाइगर के लिए फेमस है, लियोपार्ड के लिए फेमस है एंड बोर्स के लिए फेमस है। सेकंड में आप देख सकते हो जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, 1936 में टाइगर लियोपार्ड एंड एलिफेंट के लिए फेमस है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 1982 में टाइगर लियोपार्ड्स एंड बियर्स के लिए फेमस है। एंड पेरियर नेशनल पार्क्स, पेरियर जो कि केरला में है, 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था, नीलगिरी लंगूर फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो आप लोग सुने होंगे, फेमस है, आसाम में है, 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था, फेमस फॉर राइनो एलिफेंट्स एंड टाइगर। थोड़ा सा तबीयत खराब है, आज सर्दी हो गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एनीवे देन सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1984, रॉयल टाइगर एंड फिशिंग कैट्स के लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क दैट इज इन मध्य प्रदेश, 1955 में हुआ था एस्टेब्लिश, टाइगर देन एलिफेंट्स के लिए फेमस है। देन गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट इज इन गुजरात, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1975, एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। केवलादेव नेशनल पार्क दैट इज इन राजस्थान 1981, फेमस फॉर साइबेरियन कैंस रूडी एंड सेडलॉक्स। मानस नेशनल पार्क दैट इज इन आसाम एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1990। देन ये फेमस है गोल्डन लंगूर टर्टल्स, आसाम रूप्ड टर्टल्स। देन बांडीपुर नेशनल पार्क दैट इज इन कर्नाटका, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1974, एशियन एलिफेंट्स एंड टाइगर के लिए फेमस है। पन्ना जहां पर डायमंड मिलते हैं ज्यादा, आप लोगों को तो पता होगा, दैट इज इन मध्य प्रदेश, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1973, टाइगर उल्फ चीताल श्लॉथ बियर के लिए फेमस है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान 1982 एस्टेब्लिशमेंट। देन डियर एंड जो है लियोपार्ड के लिए फेमस है। एंड दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश 1977, टाइगर एंड डायनासोर के लिए फेमस है। देन उसके बाद है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी फेमस है उत्तराखंड में, 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था उसका, टाइगर एंड लियोपार्ड के लिए फेमस है। एंड वेरियो फ्लावर्स, ये तो पता ही होगा, उत्तराखंड 1980, स्नो लियोपार्ड मस्त डियर एंड रेड फॉक्स के लिए फेमस है। और हेमिस, नाम से ही पता चल रहा है, हेमिस दैट इज जम्मू कश्मीर में है, 1981 स्नो लियोपार्ड। एंड माधव नेशनल पार्क दैट इज मध्य प्रदेश 1959 इंडिया, नील गाय एंड सांबार के लिए फेमस है। एंड एरेविकुलम नेशनल पार्क दैट इज इन केरला 1978 एस्टेब्लिशमेंट, नील गाय देन एलिफेंट के लिए फेमस है। और लास्ट है मधुमलाई दैट इज इन तमिलनाडु में है, ठीक है। सो अगले क्लास में मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व लेके आऊंगा, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, मैं रेस्ट ले लेता हूँ। यस, हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा, गुड नाइट, सुड्रीम, टेक केयर।